हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे पास एक इसकी चेंज करना है, पर ये वीडियो एमएमसी चेंज का नहीं है, ये वीडियो है वो सही थे। तो मैं आपको बीसी में दिखाऊं कि बीसी इसकी क्या रीडिंग आएगी, तो कैसे हम चेक कर सकते हैं बीसी हमारा बोर्ड होगा। एक ब्लैक पिस्टेड है, एमएमसी निकालते समय हमारा सीपी सकते हैं, ट्राई हो सकता है नीचे, और इसका बोर्ड भी फूल सकता है। और बेसिकली मुझे इसको स्वैपिंग के लिए यूज करना था। फिलहाल इस वीडियो में एमएमसी को सही तरीके से कैसे कोई, अब हम चाहे तो यहाँ पे कटर का यूज करके या फील्ड को निकाल, ये काफी है जितनी जगह यहाँ दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैंने इसका ग्लू कट करना है। ग्लू कट करने के लिए आप कोई भी असेंबली का जो हीट और एयर है वो 250 पर रखिए। 250 पर रखने पर आपको जो एयर है 20 या 20-30 के बीच में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं जो असेंबली यूज़ कर रहा हूँ वो 857DW+ है, ये कॉमन असेंबली है, ये असेंबली सबके पास होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई खास असेंबली यूज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल असेंबली यूज। तो हम चाहें तो सीपीयू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सीपीयू को प्रोटेक्शन करने के लिए अलग अलग टाइप के टेप्स आते हैं, और अगर आप सीपीयू का प्रोटेक्शन करते हैं तो फायदा होता है। हम सीपीयू को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ टेप है, तो ऐसे लगा देंगे। ये लगा देने से फायदा ये होगा कि ऊपर अनवांटेड जो हीट है वो नहीं जाएगी और कुछ हद तक सीपीयू सेफ रहेगा। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल सेफ रहेगा, आगे आपका स्किल पे है। तो हम इसको तो सबसे पहले हमने करना क्या है, स्क्रैपर का यूज कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं हम, या आप 11 नंबर ब्लेड से भी कर सकते हैं, और जहां पर आप यूज करना है, जहां पर चलाना है, वहीं पे आपको आपका एयर जो हॉट एयर गन है वो रखना है। देखो इस पीसीबी में है ना, बहुत एंड्रॉयड की पीसीबी में आपको ये और रगड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपके जो ट्रैक है ना वो निकल सकते हैं, तो ट्रैक निकल जाएंगे और जो सीपीयू एमएमसी के बीच में रैम का ट्रैक होता है वो आपका सकता है, जनरली आपसे होता भी होगा। इसलिए थोड़ा सा आप चाहें तो उसको, ये आखिरी वाला कोना होता है उसको थोड़ा सा साफ कर सकते हैं। जस्ट एक बेसिक पेपर आता है उसके लिए, पेन पेपर बोलते हैं उसको, और एमएमसी के पास के जो रजिस्टर होते हैं वो खासतौर पे नहीं निकालना है, कि वो रजिस्टर आपके एमएमसी के क्लॉक के कमांड के हो सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन ऑटो फोल्ड पे चला जाएगा, क्योंकि सीपी को लगेगा कि अभी नहीं है। हमने ग्लू तो कट कर लिया है, यहाँ पर हमें देखिए एक हमने स्क्रैच नहीं किया है, ये इस आईसी का लगने के लिए पर उन्होंने लोकेशन, जैसा जैसे पीसीओ के अंदर जो पैड होते हैं सरफेस पैड के ऊपर कुछ चिन्ह होते हैं जो हमें बताते हैं कि आईसी को हमें किस तरह से निकालना है और लगाना है, वो आपको मिलती हैं। पहले के मोबाइल में इसमें पूरा एरो होते थे,
अभी के मोबाइल में इस तरह आपको तो नोटिस करना है कि किसी भी हद तक आपको अपना पीसीबी पे स्क्रैच नहीं आने देना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने तो पेस्ट है उसको पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब हम आईसी को उठाएंगे। आईसी को उठाने के लिए हम ये स्क्रैपर का भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे बहुत पतला स्क्रैपर, जो यूज किया हुआ स्क्रैपर है वो थोड़ा यूज करें, जो थोड़ा सा हल्का सा मोटा हो ताकि आईसी को इजी हम उठा सके। अब मैं लोकेशन देखना है कि हम आईसी को किधर से उठाएं। यहाँ पर चारों तरफ में गैप थोड़ा सा कम है और ये एकदम पेस्टेड है, यहाँ से भी आईसी को लिफ्ट करा सकते हैं। ठीक है, कोने से, तो आईसी को बीच में से ना उठा के कोने से उठाने से फायदा होता है। बट आपको अब ये देखना है कि आपको अपनी हीट सही जगह रखनी है। सारा सारा मैटर हीट का होता है, तो मेरा एयर फ्लो इधर इस ओर होना चाहिए क्योंकि जितनी भी ये जो हीट है वो इधर स्प्रेड होगी, मतलब इस साइड जाएगी। अगर इस साइड करूंगा तो ये सीपीयू साइड जा सकती है। एयर लूंगा 370, 370 का एयर और हीट लूंगा। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एल शेप में नोजल है जो कि काफी अच्छा है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं। तो काम करने में तो थोड़ा सा आसानी ज्यादा होती है। ठीक है, एमएनसी को बहुत देर तक हीट नहीं देनी है, आपको उसको जल्दी लिफ्ट करा लेना है। ठीक है, ऐसे में बोर्ड फूल सकता है आपका। ठीक है, नोटिस कीजिए एक ओर से एमएमसी थोड़ी उड़ने लगी है। ठीक तो एमएमसी हमारी अच्छी तरीके से उड़ गई है और बोर्ड भी हमारा सही सलामत है। अब हमें बस यही चेक करना है कि हमारा जो बोर्ड का रीडिंग है डीसी मशीन का वो हमें क्या मिलता है, और यूएसबी का हमें एम्पियर हमें वो भी क्या देखने को मिलता है। तो अब हम पहले क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को, फिर तो उसके उसके बाद बाद में में हम हम अपनी अपनी डीसी डीसी मशीन मशीन का का रीडिंग रीडिंग चेक चेक करेंगे। करेंगे। देखिए, कभी भी ये कभी जो ये जो बॉल्स बॉल्स होते होते हैं हैं इस पे इस पे डायरेक्ट डायरेक्ट कभी कभी स्क्रैपर नहीं स्क्रैपर नहीं चलाना चलाना चाहिए चाहिए क्योंकि ये क्योंकि ये बॉल्स बॉल्स निकलने निकलने में में सबसे सबसे जल्दी जल्दी निकलते निकलते हैं, हैं क्योंकि क्योंकि अभी अभी आपको आपको इन इन बॉलों बॉलों को को पहले पहले इनका इनका जो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रंगा रंगा है है वो वो आपको आपको निकालना निकालना है, है और और उसके उसके बाद बाद ही ही आपको आपको यहाँ यहाँ पर पर सही सही तरीके तरीके से से स्क्रैपर स्क्रैपर का का यूज़ यूज करना करना है। है। और मैं मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं कहता कहता कि ये कि जो डी डी सोल्डर सोल्डर वायर वायर है है इससे इससे रगड़ 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 के के आपको आपको ये ये करें, करें, आपको आपको बकायदा बकायदा यहाँ यहाँ पे पे प्रॉपर प्रॉपर एक एक स्क्रैपर स्क्रैपर का का यूज यूज करना करना है। है। तो हम एक हम एक काम काम करते करते हैं, हैं, अब अब थोड़ा थोड़ा बोर्ड बोर्ड को को पहले पहले क्लीन क्लीन करते करते हैं हैं और और चेक चेक करते करते हैं हैं कि कि हमारी हमारी बोर्ड बोर्ड की की रीडिंग रीडिंग कितनी कितनी है, है, ताकि हमें हमें पता पता चले चले कि कि हमारा हमारा बोर्ड बोर्ड
जो पहले ऑन ऑन कंडीशन में कंडीशन में था था वो वो अब अब क्या क्या कंडीशन कंडीशन ले ले रहा रहा है, है, कहीं कहीं ये ये तो तो नहीं नहीं कि कि कोई कोई स्टार्टिंग स्टार्टिंग कंडीशन कंडीशन में में चला चला गया गया है है या किसी किसी तरह तरह से से हमारा हमारा बोर्ड बोर्ड में में कोई कोई और और फॉल्ट फॉल्ट आ आ गया गया है है तो तो हम हम इसको इसको चेक चेक करने करने के के लिए लिए डीसी डीसी केबल केबल का का यूज यूज करेंगे। करेंगे। तो तो चलिए चलिए अब अब हमने हमने थोड़ा थोड़ा सा सा आपका आपका समय समय बचाने बचाने के के लिए लिए जिस जिस बोर्ड बोर्ड में में हमने हमने आईसी आईसी निकाली निकाली है है इसी इसी बोर्ड बोर्ड का का हम हम चेक चेक करेंगे। करेंगे। तो तो हमने हमने यहाँ यहाँ पर पर वी वी वैट वैट से से जम्पर जम्पर मान मान लिया लिया है है क्योंकि क्योंकि हमारी हमारी डीसी डीसी केबल केबल अभी अभी फिलहाल फिलहाल मेरे मेरे पास पास नहीं नहीं है। है तो तो मतलब मतलब मेरे मेरे पास पास आईफोन आईफोन की की केबल केबल अभी अभी एंड्रॉयड एंड्रॉयड वाली वाली केबल केबल नहीं नहीं है। है। तो तो फिलहाल फिलहाल मैंने मैंने यहाँ यहाँ से से जम्पर जम्पर मार मार के के एक एक प्लस प्लस को को इस इस तरह तरह से से लगा लगा लिया लिया एक एक पत्रे पत्रे के के साथ साथ और और माइनस माइनस को को मैं मैं कहीं कहीं भी भी लगा लगा सकता सकता हूँ। हूँ। तो देखिए देखिए मैंने मैंने माइनस को माइनस को फिलहाल फिलहाल यहाँ पर यहाँ पर टच टच कर कर लिया लिया है। है। अब अब सबसे सबसे पहले पहले तो तो देखिए देखिए कि कि डीसी डीसी में में डीसी डीसी जो जो आपकी आपकी मशीन मशीन है है उसमें उसमें कोई कोई भी भी आपको आपको शॉर्टिंग शॉर्टिंग नहीं नहीं मिल मिल रही रही है। है। अब अब हम हम हमारे हमारे जो जो पावर पावर की की है है उसको उसको शॉर्ट शॉर्ट करेंगे करेंगे और और ये ये हमारा हमारा स्टक स्टक होना होना चाहिए चाहिए 4 4 और और बेसिकली बेसिकली 20 20 के के बीच बीच में। में। तो तो देखिए देखिए 0.04 0.04 पे पे जाके जाके स्टक स्टक हो हो रहा रहा है। है। इसका इसका मतलब मतलब है है कि कि हमारा हमारा जो जो पावर पावर है है वो वो बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके है, है, हमारा हमारा जो जो सीपीयू सीपीयू है है वो वो भी भी बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके है। है। और और अगर अगर हम हम इसको इसको चेक चेक करें करें कि कि ये ये पोर्ट पोर्ट बना बना रहा रहा है है कि कि नहीं नहीं बना बना रहा, रहा, तो तो हम हम ये ये भी भी चेक चेक कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो तो हम हम इसको इसको चेक चेक करने करने के के लिए लिए हम हम बोर्ड बोर्ड का का पूरे पूरे फोन फोन का का यूज यूज करेंगे। करेंगे। तो तो ये ये भी भी आप आप समझ समझ लो लो कि कि हाँ हाँ आपका आपका जो जो एंड्रॉयड एंड्रॉयड फोन फोन होता होता है है उसके उसके अंदर अंदर विदाउट विदाउट एमएमसी एमएमसी आपका आपका फोन फोन पोर्ट पोर्ट बनाता बनाता है। है। अब अब यहाँ यहाँ पर पर कॉलकॉम कॉलकॉम का का पोर्ट पोर्ट बनना बनना चाहिए। चाहिए। तो तो हम हम चेक चेक करेंगे करेंगे कि कि हमारा हमारा कॉलकॉम कॉलकॉम का का पोर्ट पोर्ट बन बन रहा रहा है है कि कि नहीं नहीं बन बन रहा रहा है। है। तो तो उसके उसके लिए लिए मैं मैं इसको इसको कंप्यूटर कंप्यूटर में में कनेक्ट कनेक्ट करूंगा। करूंगा। नोटिस नोटिस कीजिएगा। कीजिएगा। तो तो नोटिस नोटिस करो करो यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको डिवाइस डिवाइस मैनेजर मैनेजर दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है। है। अब अब मुझे मुझे ये ये केबल केबल को को सिर्फ सिर्फ अपने अपने कंप्यूटर कंप्यूटर के के साथ साथ अटैच अटैच करनी करनी है है और और ये ये चेक चेक करना करना है है कि कि मेरा मेरा पोर्ट पोर्ट बन बन रहा रहा है है कि कि नहीं नहीं बन बन रहा रहा है। है। तो तो नोटिस नोटिस करो करो जैसे जैसे मैं मैं अपने अपने फोन फोन को को केबल केबल के के साथ साथ लगाता लगाता हूं हूं तो तो इसमें इसमें जो जो केबल केबल है है वो वो मेरी मेरी टाइप टाइप सी सी है। है तो तो मैं मैं टाइप टाइप सी सी केबल केबल का का यूज यूज करता करता हूं। हूं। देखिए अब अब जैसे जैसे मैं मैं यहाँ यहाँ पर पर लगाऊंगा लगाऊंगा तो तो ये देखिए ये ये पोर्ट पोर्ट बनाना बनाना चाहिए। चाहिए। तो तो नोटिस नोटिस करो करो यहाँ यहाँ पर पर देखिए देखिए ये ये पोर्ट पोर्ट इस इस तरह तरह से से क्यों क्यों बना बना रहा रहा है, है, यहाँ यहाँ पे पे 900 900 क्यों क्यों नहीं नहीं आ आ रहा, रहा, क्योंकि क्योंकि मेरे मेरे इस इस लैपटॉप लैपटॉप में में किसी किसी भी भी तरह तरह का का कोई कोई ड्राइवर ड्राइवर नहीं नहीं है। है। मैं मैं उस उस ड्राइवर ड्राइवर वाला वाला काम काम दूसरे दूसरे लैपटॉप लैपटॉप में में करता करता हूँ। हूँ। तो तो बड़ी बड़ी मेरा मेरा पोर्ट पोर्ट बन बन रहा रहा है है तो तो उसका उसका मतलब मतलब है है कि कि मेरा मेरा सीपीयू सीपीयू ओके ओके है है और और उसको उसको किस 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 तरीके तरीके से से और और चेक चेक किया किया जा जा सकता सकता है। है। तो तो मैं मैं आपको आपको दिखाता दिखाता हूँ हूँ आप आप जैसे जैसे कि कि यहाँ यहाँ पर पर ये ये मल्टीमीटर भी मल्टीमीटर देख भी रहे देख रहे होंगे। होंगे। नोटिस नोटिस कीजिए कीजिए ये देखिए। तो तो हम हम यहाँ यहाँ पे पे कुछ कुछ वोल्टेज वोल्टेज भी भी चेक चेक कर कर लेते लेते हैं। हैं। तो तो मैंने मैंने यहाँ यहाँ पे पे वोल्टेज वोल्टेज में में रखा रखा हुआ हुआ है है और और क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे मेरे कंप्यूटर कंप्यूटर के के साथ साथ केबल केबल लगा लगा हुआ हुआ है है तो तो यहाँ यहाँ पर पर मैं मैं कुछ कुछ वोल्टेज वोल्टेज चेक चेक करके करके आपको आपको दिखाता दिखाता हूँ हूँ कि कि किस किस तरीके तरीके से से आप आप विदाउट विदाउट एमएमसी एमएमसी वाले वाले बोर्ड बोर्ड को को चेक चेक कर कर सकते सकते हैं। हैं।
तो यहाँ पर यहाँ हम पर हम चेक चेक करेंगे करेंगे ये कि जो जो बूट है बूट होता होता है है ये हमारा ये हमारा सीपीयू का सीपीयू पॉइंट का होता है पॉइंट और होता ये है और वन ये वन पॉइंट पॉइंट एट एट ये ये हमारा हमारा आइडियल आइडियल का का पॉइंट पॉइंट है। है। यहाँ यहाँ पर पर हमें हमें वन वन पॉइंट पॉइंट एट एट वोल्टेज वोल्टेज आना आना चाहिए। चाहिए। जैसे जैसे कि कि आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको वन वन पॉइंट पॉइंट वोल्टेज वोल्टेज आ आ रहा रहा है है तो तो इसका इसका मतलब मतलब है है कि कि ये ये बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके है। है। और और उसके उसके अलावा अलावा हम हम एमएमसी एमएमसी के के अंदर अंदर अपना अपना चेक चेक कर कर सकते सकते हैं। हैं तो तो हमेशा हमेशा ध्यान ध्यान रखना रखना जो जो बीजीए बीजीए होता होता है है उसके उसके अंदर अंदर जो जो हमारा हमारा एमएमसी एमएमसी होता होता है है मतलब मतलब जो जो बीजीए बीजीए की की एमएमसी एमएमसी जो जो बोर्ड बोर्ड में में जो जो एमएमसी एमएमसी होता होता है है ये ये बीजीए बीजीए में में आपको आपको अलग 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 कंडीशन कंडीशन में में आपको आपको पता पता करना करना होता होता है है क्योंकि क्योंकि अभी अभी ये ये बोर्ड बोर्ड अभी अभी मैंने मैंने क्लीन क्लीन नहीं नहीं किया किया अभी अभी फिलहाल फिलहाल मैं मैं अगर अगर ऐसे ऐसे ही ही चेक चेक करूँ करूँ तो तो यहाँ यहाँ पर पर मुझे मुझे अलग 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 टाइप टाइप के के वोल्टेज वोल्टेज देखने देखने को को मिलेंगे मिलेंगे तो तो ये ये वोल्टेज वोल्टेज का का नॉलेज नॉलेज मेरे मेरे को को यहाँ यहाँ पर पर होना होना चाहिए चाहिए कि कि कौन कौन से से पैड पैड पे पे मेरा मेरा कौन कौन सा सा वोल्टेज वोल्टेज यहाँ यहाँ पर पर मिलता मिलता है। है। तो तो ये ये मैं मैं आपको आपको क्लीन क्लीन करके करके इसका इसका पहले पहले इसको इसको क्लीन क्लीन कर कर देता देता हूँ हूँ उसके उसके बाद बाद फिर फिर इसके इसके कुछ कुछ आपको आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वोल्टेज वोल्टेज बताता बताता हूँ हूँ इस इस वीडियो वीडियो में। में। तो अब अब हम हम क्लीन क्लीन करेंगे। करेंगे। क्लीन के क्लीन लिए के लिए हम हम अपना अपना स्क्रैपर स्क्रैपर यूज़ यूज कर कर सकते सकते हैं हैं और और आप आप ज़्यादातर ज़्यादातर वो वो स्क्रैपर स्क्रैपर यूज़ यूज़ कर कर रहे रहे हैं हैं जो जो ऑलरेडी ऑलरेडी आप आप यूज़ यूज़ कर कर रहे रहे हैं। हैं तो तो हम हम कोई कोई सा सा भी भी ऐसा ऐसा स्क्रैपर स्क्रैपर यूज़ यूज़ कर कर सकते सकते हैं हैं जो जो ज़्यादातर ज़्यादातर हम हम ऑलरेडी ऑलरेडी यूज़ यूज़ कर कर रहे रहे हैं हैं मतलब मतलब थोड़ा थोड़ा यूज़ यूज़ किया किया हुआ हुआ स्क्रैपर स्क्रैपर काफ़ी काफ़ी अच्छा अच्छा काम काम करता करता है। है। ए ए और और हीट हीट बिल्कुल बिल्कुल उतनी उतनी रखनी रखनी है है जितनी जितनी मैंने मैंने पहले पहले रखी रखी थी। थी मैं मैं आपको आपको उस उस पर पर फोटो फोटो लगा लगा दूंगा। दूंगा। बहुत बहुत धीरे 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 आपको आपको क्लीनिंग क्लीनिंग का का प्रोसेस प्रोसेस करना करना है। है। ये देखिए यूज यूज करना करना है है और और साइड साइड से से हटा हटा लेना लेना है। है। और और टेस्ट टेस्ट निकालते निकालते समय समय आपको आपको आसपास आसपास के के रजिस्टर रजिस्टर का का यूज यूज रजिस्टर रजिस्टर को को थोड़ा थोड़ा सा सा चेक चेक करना करना है। है। रजिस्टर रजिस्टर मतलब मतलब आपके आपके निकलने निकलने नहीं नहीं चाहिए चाहिए बॉडी बॉडी से। से। तो आपने आपने नोटिस नोटिस किया किया होगा होगा कि कि मेरा मेरा कहीं कहीं भी भी स्क्रैच स्क्रैच नहीं नहीं हुआ हुआ है। है। अब अब मैं मैं इसको इसको अपनी अपनी डीसोल्डर डीसोल्डर वायर वायर से से क्लीन क्लीन करूंगा। करूंगा। आप आप यहाँ यहाँ पर पर 138 138 का का पीपीडी पीपीडी भी भी यूज यूज कर कर सकते सकते हैं। हैं। जिससे जिससे आपके आपके बॉलों बॉलों का का टेम्परेचर टेम्परेचर भी भी चेंज चेंज हो हो जाए जाए और और वो वो जल्दी जल्दी आपको आपको क्लीन क्लीन हो हो जाए। जाए। जैसे कि आप देख जैसे आप देख सकते हैं सकते हैं अब अब यहाँ यहाँ पर पर हम हम इसको इसको और और प्रॉपर प्रॉपर क्लीन क्लीन करेंगे। करेंगे।
जैसे जैसे आपने आपने यहाँ यहाँ रखा रखा आपको आपको थोड़ी थोड़ी देर देर रुकना रुकना है, है, गर्म गर्म होने होने देना देना है, है, फिर फिर उसको उसको एक एक बार बार में में चलाना चलाना है, है, तो तो वो वो अच्छे अच्छे से से आपको आपको चलेगा। चलेगा। तो तो आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं कि कि ये ये प्रॉपर प्रॉपर क्लीन क्लीन हो हो गया गया है। है। अब अब हम हम वोल्टेज वोल्टेज चेक कर चेक कर लेते हैं लेते एक हैं एक बार। बार। क्लीन क्लीन होने के होने के बाद बाद ये ये काफी काफी अच्छा अच्छा दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है। है। आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं काफी काफी अच्छा अच्छा ये ये दिखाई दिखाई दे रहा दे है। रहा है। अब आप वीडियो वीडियो को को अभी भी अभी भी आप आप बंद मत बंद मत करना, करना, ना ना स्किप स्किप करना, करना, क्योंकि क्योंकि वीडियो वीडियो में में अब मैं बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज चीज आपको आपको मैं मैं बताने बताने वाला वाला हूं। हूं। अब मैं मैं यहां पर यहां पर आपको आपको वोल्टेज वोल्टेज दिखाऊंगा दिखाऊंगा कि कितना कितना वोल्टेज वोल्टेज आपको आपको एमएमसी एमएमसी में में मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। तो तो आपको आपको मल्टीमीटर मल्टीमीटर पे पे ध्यान ध्यान देना देना है। है। कंप्यूटर की कंप्यूटर की आवाज आवाज से से आप आप ये ये तो तो समझ समझ गए गए होंगे होंगे कि कि पोर्ट पोर्ट बन बन गया गया है। है। अब अब हम हम यहाँ यहाँ पर पर बीजीए बीजीए में में वोल्टेज वोल्टेज चेक चेक करेंगे। करेंगे। तो तो ध्यान ध्यान दीजिए, दीजिए, ये इसका इसका ए ए बी बी सी सी डी, डी, तो इसमें इसमें बी बी थ्री थ्री में में यहाँ यहाँ पे पे ऑलवेज ऑलवेज 2.8 2.8 वोल्टेज वोल्टेज स्टेबल, स्टेबल, और और बी बी सिक्स सिक्स 1.8 1.8 वोल्टेज वोल्टेज स्टेबल, स्टेबल, एक एक एफ एफ फाइव फाइव पे पे टू टू वन वन पॉइंट पॉइंट टू टू और और एफ एफ फोर पे फोर पे वन वन पॉइंट पॉइंट एट एट तो ये ये वोल्टेज वोल्टेज हमेशा हमेशा याद याद रखिए, रखिए, इस इस वोल्टेज वोल्टेज को को लिख लिख लीजिए, लीजिए, और और ये ये वोल्टेज वोल्टेज हमेशा हमेशा इस इस बीजीए बीजीए के के सबसे सबसे मेन मेन टेस्टिंग टेस्टिंग पॉइंट पॉइंट है। है। इसका इसका मतलब मतलब अब अब आपका आपका ये ये सारी सारी लाइन लाइन बिल्कुल बिल्कुल ओके। ओके। तो तो आई 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 होप होप कि कि आपको आपको बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा हो। हो। अगर अगर आप आप इसी इसी तरीके तरीके का का बहुत बहुत अच्छा अच्छा काम काम करना करना चाहते चाहते हैं हैं तो तो आप आप हमारा हमारा कोर्स कोर्स ज्वाइन ज्वाइन कीजिए, कीजिए, आज आज ही ही एमबी एमबी सर सर को को कॉल कॉल कीजिए। कीजिए। अभी अभी हमारे हमारे दिसंबर दिसंबर बैच बैच 28-25 28-25 दिसंबर दिसंबर बैच बैच के के लिए लिए सीट सीट ओपन ओपन है। है। थैंक थैंक यू। यू। सिर्फ एशिया टेलीकॉम है जो 4G मोबाइल का सीपीयू ईएमएमसी पावर आईसी एक बार नहीं चार बार लाइव बोर्ड पर लगवाता है। ये गारंटी है हमारी, वह भी आपके फोर्थ डे में आप खुद से करेंगे। चिप लेवल का काम सीखकर अपनी कमाई को करें डबल, और आज ही एमडी सर को कॉल करो 7000071192। लाइव क्लास देखने के लिए फेसबुक पर एशिया टेलीकॉम सर्च करो आज ही। एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। यस सर। अब बताओ किस किस को समझ में आया? यस सर। प्रैक्टिकली? यस सर। क्या बात है? दो क्वार्टर है, क्वार्टर है और शो को और एक बार भी दिल बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है। यस सर। लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? यस सर। देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। यस सर। तो थोड़ा सा भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? बहुत मजा आ रहा है। आज कौन कौन ने सीपीयू ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज? यस सर। कल से बेहतर हुआ आज? यस सर। कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रेचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है? देखिए जो तरीका है वो कैसा है? कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस यहाँ से लो यार, फायदा नहीं है। सर, ये लाइट ऐसे चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो जो है 4 वोल्ट ट्विस्टेड, अगर उसको पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है। ठीक है, उसके ऐसे में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, गिटार लगा हुआ है, टीजर का है।
से थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?